Hey guys, this is Navratra Week Special. Happy Navratra to all of you friends. स्वागत है आपका हमारी रसोई में. मैं देवरानी और मैं जेठानी लेकर आए हैं पूरे नवरात्रा व्रत का सात्विक भोजन. तो आइए माँ को प्रसन्न करते हैं और माँ के भोग के लिए कुछ बनाते हैं. शुरुआत करते हैं कुछ मीठे से. आज हम बनाने वाले हैं मखाने की खीर, जो कि खाने में बहुत ही हेल्दी होती है. तो आइए फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है और आइए हमारी रसोई में बनाते हैं मखाने की खीर. मखाने की खीर को धार्मिक पर्व में व्रत के समय खाया जाता है. आप मखानों को स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं, क्योंकि मखाने में बहुत ही पोषक तत्व होते हैं, जिससे हमारी थकावट मिट जाती है और शरीर ऊर्जा से भर जाता है. हमने यहाँ एक प्लेट में कुछ मखाने, बादाम और इलायची ली है. मखानों को नाइफ की हेल्प से कट कर लिया है. बादाम व इलायची का भी पाउडर बना लिया है और एक छोटा सा बाउल शुगर ली है, करीब 2 टीस्पून. सबसे पहले एक पैन में 1 चम्मच घी डालकर उसको मेल्ट कर लेंगे और अब उसमें कटे हुए मखाने मिलाएंगे और एकदम लो फ्लेम पर मखानों को सेक लेंगे. क्रिस्पी होने पर इनको कंटिन्यू चलाएंगे. चार से 5 मिनट लगे लो फ्लेम पर मखाने सिक गए हैं. इनको हाथ से तोड़कर देख लेंगे कि क्रिस्पी हुए हैं या नहीं. खीर बनाने के लिए हम मोटे पेंदे का बर्तन यूज करेंगे, ताकि दूध तली पर चिपके नहीं. 1 गिलास दूध की खीर बना रहे हैं. अब इसको 1 चम्मच की हेल्प से चलाएंगे, जब तक इसमें उफान ना आ जाए. पाँच से 6 बॉईल आने पर इसमें मखाने मिलाएंगे और फिर से एक बार इसको चलाएंगे. यह खीर बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है. मखाने ऐड किए हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और खीर भी गाढ़ी होने लग गई है. अब इसमें बादाम और इलायची पाउडर मिक्स कर देंगे और 2 मिनट चलाएंगे. अब इसमें ऐड करते हैं 2 टीस्पून शुगर. शुगर डालने के बाद 1 से 2 बार चलाएंगे, ताकि शुगर एकदम मिक्स हो जाए और तली पर चिपके नहीं. खीर एकदम तैयार हो गई है, बहुत ही आसानी से बन गई है. इसे किसी बर्तन में सर्व करते हैं और अब इसमें ऐड करते हैं थोड़ी सी केसर. केसर मिक्स करने से खीर का टेक्सचर बहुत ही सुंदर आता है. थोड़ी ठंडी होने पर इसके टेक्सचर में गाढ़ापन आ गया है. 10 से 12 मिनट लगे और इतनी आसानी से खीर तैयार हो गई है. देखिए कितना सुंदर प्रसाद तैयार हो गया है. इस नवरात्रि आप भी माँ को मखाने की खीर का प्रसाद लगाएं और प्रोटीन से भरपूर मखाने की खीर को आप भी उपवास में खाएं. आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. हैप्पी नवरात्रा टू ऑल ऑफ यू.